सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में महारत रखती है, जिसके बड़े बड़े नेता कोई छोटी सी छोटी घटना भी हो जाए तो चीखने चिल्लाने के लिए देश भर की मीडिया को बुला लेते हैं, आज इतनी बड़ी भ्रष्टाचार, इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले में, जिसमें इनके राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तक शामिल है, पूरी बीजेपी खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है कोई, और इसमें कुछ छिपा नहीं है, खुला भ्रष्टाचार का खेल है। और मैं जब बात कह रहा हूं तो पूरे कागज और प्रमाण के साथ कह रहा हूं। एक कंपनी बनाई जाती है मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम सुनिए, मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और उस कंपनी का मकसद क्या है, मजबूती के साथ भ्रष्टाचार करो। मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाई जाती है मजबूती से भ्रष्टाचार करने के लिए, कहीं कोई हीला हवाली, कहीं कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए भ्रष्टाचार के मामले में, मजबूती से भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाई जाती है 2018 में। उसमें कौन कौन रहता है कंपनी के अंदर, उस समय के तत्कालीन मेयर और पार्षद आदेश गुप्ता जी के पुत्र, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोई छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं, श्याम जाजू जी के पुत्र, आदेश गुप्ता जी की पत्नी, और ये सारी कंपनी बनती है। और इस कंपनी में मजेदार बात आप देखिए कि सरकारी बिल्डिंग जो कि किसी कंपनी का ऑफिस नहीं बन सकता है, अगर सरकारी बिल्डिंग किसी को अलॉट हुई है तो वहां रह सकता है वो, इसमें जो संदेश जाजू जी का पता है वो लिखा हुआ है 11A अशोका रोड, ये साफ तौर पे लिखा हुआ है इसमें, और ये किसका पता है, श्याम जाजू जी का पता है। इसमें यश गुप्ता जी भी हैं कंपनी में, रजत गुप्ता जी भी हैं, तमाम लोग हैं। अब मेरा सवाल यह है कि एक कंपनी आपने बनाई, उस कंपनी के माध्यम से 13 प्रॉपर्टीज खरीदी अलग अलग जगहों पे, और ये सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल इसमें दी हुई है, 13 अलग अलग जगहों पे प्रॉपर्टीज खरीदी गई है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ये प्रॉपर्टी खरीद के इसको तोड़ के वहां मकान बना के बेचने का, यानी खरीदो तोड़ो और बेचो का धंधा इन जमीनों के ऊपर, इन मकानों के ऊपर किया गया, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर किया गया। इसकी शिकायत लोकायुक्त के ऊपर होती है, लोकायुक्त के पास जब शिकायत हुई, लोकायुक्त ने इसको अपने ढंग से जांच कराया, और जांच कराने के बाद लोकायुक्त एक बार नहीं 3 बार आदेश गुप्ता जी को बुला चुका है, लेकिन आदेश गुप्ता जी उसके सामने हाजिर नहीं हुए, जाकर अपनी कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि जब ताल में काला नहीं पूरी की पूरी दाल काली है, करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है तो जाएंगे क्यों और बोलेंगे क्या। तो लोकायुक्त ने जांच करके ये पाया कि ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो संपत्तियां खरीदी गई हैं इस कंपनी के माध्यम से मजबूत भ्रष्टाचार करने के लिए,
ये प्रॉपर्टीज आदेश गुप्ता जी की आय से ज्यादा की संपत्ति का मामला है। एक मेयर और पार्षद के तौर पर उनकी जो आमदनी है, आमदनी का जो जरिया है, उससे कई गुना ज्यादा करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टीज, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति आदेश गुप्ता के द्वारा खरीदी गई है। इसका कोई जवाब ना आदेश गुप्ता जी के पास है, ना श्याम जाजू जी के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना उन तमाम वीर नेताओं के पास है जो लगातार आके बयान देते हैं बीजेपी वाले। ये सारे कागज लोकायुक्त के कागज, लोकायुक्त में दिए गए शिकायत के कागज, कंपनी की डिटेल, और ये सब कुछ चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि ये मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मजबूती से भ्रष्टाचार कराने के लिए बनाई गई है, और आय से अधिक, सीधे सीधे खुली आंखों से आय से अधिक संपत्ति का, भ्रष्टाचार का, घोटाले का मामला है, पद के दुरुपयोग का मामला है, और इसलिए इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को अगर जरा सी भी उनके अंदर नैतिकता है, सामने आके इन विषयों पे जवाब देना चाहिए। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि मानहानि का दावा करेंगे। मानहानि का दावा करेंगे या फांसी चढ़ा देंगे या गोली चला देंगे, ये सब तो सब कुछ कर सकते हैं, उसकी बात नहीं मैं कह, वो तो कर ही सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन बातों का क्या जवाब दिया उन्होंने? कोई जवाब दिया? ये कंपनी कैसे एक सरकारी पते पे बन सकती है? ये कंपनी कैसे 13-13, 14-14 संपत्तियां खरीद रही है? ये कंपनी के पास पैसे कहां से आए? इसको इनकम कहां से हुई? और जो आपने मकानों को खरीदने, तोड़ने और बनाने का धंधा किया है, उससे कितनी आमदनी हुई आपको? इन सब बातों का जवाब दीजिए। बाकी आप मानहानि का केस करना चाहते हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं तो करिए, उसके लिए कोई आपको मनाही थोड़ी, आपको जो करना है करेंगे आप। लेकिन इन बातों का जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने? लोकायुक्त से 3-3 बार उनको बुलाया गया, वो गए क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। उनको बुला, बस एक मिनट और, एक ज्वाइनिंग और।